फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाइफ चेंजिंग हैबिट्स जो कि मैंने आयुर्वेद से सीखी है और मैं इसे बहुत ही टाइम से फॉलो कर रही हूँ और मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ जिससे आपको भी इसके बेनिफिट्स मिल सके। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Bharti_blog। मेरा लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उसके लिए आपको काम करना है, रात में सोने से पहले आपको गर्म दूध पीना है। एक चीज का ध्यान रखना है, दूध आप जब पिए तो आपको बैठ के दूध नहीं पीना है, आपको स्टैंडिंग पोजीशन में ही दूध को सिप करके धीरे धीरे करके गर्म दूध को आपको पीना है। नॉर्मल नहीं, आपको गर्म दूध पीना है जिससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। और अगर आप दूध नॉर्मल नहीं पी पा रहे, सादा दूध काफी लोगों को नहीं अच्छा लगता है, उसके साथ कुछ लोग मीठा चाहते हैं, तो आपको शुगर नहीं लेना है। शुगर को आप अवॉइड करें, शुगर को बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसकी जगह अगर आपको हनी का टेस्ट अच्छा लग रहा है तो आप हनी को इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेरा फेवरेट है और जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा मिला है वो है गुड़। आप गुड़ के साथ दूध पीजिए, आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और आपके पेट में जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो सारी सॉल्व हो जाएगी। जितनी भी गंदगी होगी वो सारी सॉल्व हो जाएगी। आप जब मॉर्निंग में टॉयलेट पे जाएंगे ना, आपको ज्यादा देर के लिए टॉयलेट में टाइम भी नहीं बिताना पड़ेगा, पेट आपका इजिली साफ हो जाएगा। इसके लिए ना लोग बहुत ज्यादा भागदौड़ करते हैं, डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेते हैं, बट मेरे कहने पर आप ये वाला टिप्स जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, खाना जब भी खाएं ना तो कोशिश करें गर्म खाना ही खाएं, क्योंकि गर्म खाना जो होता है वो जल्दी से डाइजेस्ट होता हो जाता है और हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आप ठंडा खाना खाएंगे ना तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जिसकी वजह से आपको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा तभी वो डाइजेस्ट होगा और धीरे धीरे करके ना पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमेशा गर्म खाना ही खाएं। और एक चीज़, अगर आपको जितनी भूख लग रही है ना उससे थोड़ा सा कम खाना खाएं। आप कुछ लोग होते हैं ना, भूख जितनी लगती है उतना ही खाना खाते हैं, फिर ओवर भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और एक छोटी सी चीज़ है, खाना खाने के कम 15 या 20 मिनट पहले से आप थोड़ा पानी पी लीजिए और उसके बाद जब खाना खा लेना तो आपको ओनली एक सिप पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए, उससे आपको खाने को डाइजेस्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। खाना खाने के 30 मिनट या फिर 40 मिनट बाद आप पानी आराम से पी सकते हैं, तो जितनी भी आपकी जो भूख होगी ना वो पानी पूरी फिल कर देगा। आपको ज़्यादा एकदम से पेट भर के पानी खाना नहीं खाना है, जिससे कि आपका पेट भी ठीक रहेगा और पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और खाना को डाइजेस्ट होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, जैसे आप घर पर गेहूं की रोटी बनाते हैं ना तो कुछ लोग छन्नी से छान लेते हैं आटे को और चोकर जो होता है उसको हटा के फिर आटा को गूंथ के रोटी बनाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। चोकर वाले आटे की ही रोटी आपको बना के खानी है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। गेहूं में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप चोकर वाले आटे की रोटी खाएंगे ना तो आपको जो भी खाना होगा उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको एसिडिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टिप को भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा।
फ्रेंड्स, हम लोग सो के सुबह उठते हैं ना, तो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, हमारे मोबाइल को चेक करना। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आप सबसे पहले सो के उठे ना, तो मोबाइल को आपको नहीं देखना है, क्योंकि मोबाइल में कोई आप ऐसी न्यूज़ देख लें या फिर कुछ भी ऐसा देख लें जिसकी वजह से आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको उठ के आपको गर्म पानी पीना है, हल्का सा गुनगुना पानी। अगर आपको नॉर्मल गर्म पानी नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप उसमें लेमन को भी ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि गर्म पानी जब आप फ्रेंड्स पिएंगे ना, तो वो हमारे जितना भी खाना हमने खाया हुआ है रात को, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आपके पेट में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर देगा इजिली। उसके बाद आप आराम से ब्रश करें और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करें, देन आप अपने फोन को चेक करेंगे ना। इस तरह का ये रूटीन आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को सुबह सबसे पहले उठ के आदत होती है पानी पीने की, इसलिए वो लोग रात में ही स्टील के ग्लास में या फिर कांच के ग्लास में पानी भर के अपने लिए रख लेते हैं और मॉर्निंग उठ के उस पानी को पीते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको अगर रात में आप पानी भर के रख रहे हैं ना, तो आपको तांबे के जग में या फिर तांबे के ग्लास में पानी भर के आप रखें, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तांबे के ग्लास में पानी आप रात भर के रख देंगे ना, जब उसको पिएंगे ना, तो वो पानी पूरी तरह से शुद्ध होगा और वो आपके पेट में जो भी प्रॉब्लम होगी ना, उसको सॉल्व कर देगा। अगर आपके किडनी और लीवर में प्रॉब्लम है ना, तो उसको भी साफ करने में तांबे का पानी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता रहता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द होती है, आपके बैक में पेन हो रहा है ना, तो उसको भी धीरे धीरे करके रिमूव करता है और आपके जो भी ब्लड है ना, उसको प्यूरिफाई करने में तांबे का पानी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए आप तांबे के पानी को यूज करेंगे ना, तो आपके बहुत ही ज्यादा जो भी बीमारियां हैं, पेट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। तो आप जब भी पानी पिए ना, तो सुबह उठ के तांबे के ग्लास का पानी पिएंगे ना, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को मीठा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, वो पूरे दिन मीठा के पीछे ही पड़े रहते हैं, बस उनको मीठा ही खाना है। तो फ्रेंड्स, वो गलत है, मीठा बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। धीरे धीरे करके हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप एकदम से तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज पसंद है उसको एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता है। तो धीरे धीरे करके आप मीठे को कम करें, स्पेशली जो शुगर से चीजें बनी हुई, जो चीनी से अगर चीजें जो भी बनी हुई ना, उनको अवॉइड करें। उसकी जगह पे आप जैसे मीठे को आप कम करना चाह रहे हैं ना, तो उसकी जगह आप फ्रूट्स खाइए, खूब सारा जूस पीजिए। और आप ना ज्यादा अगर आप फिर भी आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप उसकी जगह पे खजूर खाइए। खजूर बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, लेकिन उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसकी वजह से आपको डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। फिर भी अगर आपको खाने का मन कर रहा है ना, तो कुछ लोग जैसे देखते हैं चीनी ही नॉर्मल खाने लगते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है चीनी हमारी हेल्थ के लिए, तो उसकी जगह पे आप शहद ले सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप गुड़ को भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ की बनी हुई मिठाई आप बना के रख सकते हैं, उसको खा सकते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हमारे होती है और हमारे जो ब्लड को साफ करती है गुड़। तो इसलिए गुड़ को आप शामिल करें, शुगर जो होता है उसको एकदम से अवॉइड करें। फ्रेंड्स, अगर आपके मुंह से बहुत ज्यादा गंदी सी स्मेल आती है या फिर पूरे दिन डकार आपको आती रहती है, और अगर आप किसी से बात करते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील होता है, तो उसके लिए आपको काम करना है, आपको अपनी डेली रूटीन में 2 टाइम ग्रीन टी को ऐड करना है। ग्रीन टी आप पियेंगे ना, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप नॉर्मल तुलसी के पत्ते आप एक बॉक्स में भर के रख लीजिए और दिन में आप उसको खाएंगे ना, तो वो भी आपके मुंह से जो भी स्मेल आएगी और गंदी गंदी से जो डकारे आएंगी ना, उसको हटा देगा और आप एकदम आपका जो मुंह है ना, वो एकदम फ्रेश फ्रेश फील होगा। इसके अलावा आप इलायची भी अपने पास रख सकते हैं, इलायची भी आप खाएंगे ना, तो आपके मुंह से जो भी स्मेल आएगी ना, वो खत्म हो जाएगी, आप एकदम से फ्रेश फ्रेश फील करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा हो और बहुत ही ज्यादा आपके लिए काम कर रहा हो। इनमें से जो भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ना, उसको कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।